हाय, दिस इज़ मोहम्मद तलहा। तो दोस्तों, ये हमारा लेसन नंबर 8 है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने कस्टमर्स को SMS नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ऑटोमेशन पर। और इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ इस लेसन नंबर 8 के अंदर कि आप किस तरह OTP जो है वो वन टाइम पासकोड जो है वो इनेबल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, यानी अपने चेकआउट फॉर्म के अंदर, और इसी के साथ साथ अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर। तो दोस्तों, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले इनेबल करने के लिए, मतलब जो भी OTP ऐड करने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से प्लगइन पे हावर करूँगा और ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पर जो है दोस्तों, हमें क्या करना है, OTP हमें टाइप कर देना, OTP वेरीफिकेशन हम टाइप कर देंगे। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं, हमारे पास प्लगइन जो है यहाँ पर आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो है ईमेल वेरीफिकेशन, SMS वेरीफिकेशन, OTP वेरिफिकेशन, मिनी ऑरेंज है दोस्तों, ये इस्तेमाल करना है। दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग ये जो है वो एक प्लगइन है दोस्तों। मैंने जो है इसको पर्सनली भी इस्तेमाल किया है, जब मैंने किसी की वेबसाइट बनाई थी ई कॉमर्स की, तो मैंने सारा ये सेटअप किया था। यहाँ पर दोस्तों, हम क्या करेंगे, सिंपल इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, हमारे पास एक जो है वो ऑप्शन आ जाएगा OTP वेरिफिकेशन। तो हम इसको सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर मैं OTP वेरिफिकेशन पर आऊँगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है उसको रजिस्टर कर लेना। तो मैं सबसे पहले रजिस्टर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैं जल्दी से इसको रजिस्टर कर लेता हूँ। ईमेल है, वेबसाइट कंपनी नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और पासवर्ड, ये मैं इसको जल्दी से रजिस्टर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, रजिस्टर पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है वो ईमेल जो है वो वेरीफाई कर लेना। तो मैं भी वेरीफाई कर लेता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों, ये जो है इनेबल हो चुका है। आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा मिनी ऑरेंज गेटवे विद एडवांस आपको देखने को मिलेगा फॉर ईमेल। और यहाँ से आप जो है वो इतना आपको पैसा देना पड़ेगा, मतलब $2 जो है आपको पर 100 ईमेल, इस तरह भी आप यहाँ से बेसिकली ये जो है आपको कुछ जो है वो SMS और ईमेल जो है वो फ्री में भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर दोस्तों, ये लाइसेंसिंग है, तो लाइसेंस भी यहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब ये आप खरीदेंगे तो आप जो है एक बड़ा बिजनेस ही रन करेंगे। तो फॉर SMS आपको देखने को मिलेगा SMS डिलीवरी चार्जेस प्लस, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 100 OTP 500 1K, इस तरह भी दोस्तों आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा अमाउंट ये मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि आप एक ई कॉमर्स जो है वेबसाइट रन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप जैसे कि देख सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन है WooCommerce कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। 30+ फॉर्म सपोर्टेड आपको देखने को मिलेगा, पासवर्ड लेस लॉगिन, तो यहाँ से SMS नोटिफिकेशन, हैसल फ्री सेटअप। तो इस तरह भी दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। ये आप कोई सा भी जो है वो एक्सटेंशन, मतलब जो है वो सर्विस ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपग्रेड नाउ पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद आपको ये दोस्तों चार टैब्स देखने को मिलेंगे, बाय लाइसेंस, व्यू लाइसेंस और व्यू ट्रांजेक्शन। तो अभी जो है दोस्तों, बेसिकली फ्री में भी कुछ ना कुछ जो है वो प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ से व्यू लाइसेंस करते हैं। तो हमारे पास कोई भी लाइसेंस अभी नहीं है, तो व्यू ट्रांजेक्शन पर आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं, टोटल ट्रांजेक्शन अभी हमारे पास मौजूद है, रिमेनिंग भी 20 मौजूद है टोटल SMS, और रिमेनिंग SMS आपको देखने को मिलेगा। तो 10 SMS और 10 ईमेल्स जो आपको ये फ्री में प्रोवाइड करता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको, तो ये बेसिकली इनेबल है, तो हम यहाँ से इसको छोड़ते हैं। और अब जानते हैं हम किस तरह इसको जो है वो अपने वेबसाइट के अंदर इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टोर जो है ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर आएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम फॉर्म पर आएंगे। और यहाँ पर दोस्तों, आपको फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा आपको बहुत ही अमेजिंग ये फीचर प्रोवाइड करता है, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो फॉर्म्स बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे, तकरीबन 43 फॉर्म्स हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी आप यहाँ से मतलब इनेबल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से WooCommerce पर आएंगे। WooCommerce जैसे हम टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, WordPress WooCommerce अल्टीमेट मेंबर लॉगिन फॉर्म, प्रोडक्ट वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बिलिंग एड्रेस फॉर्म। तो यहाँ पर दोस्तों, हमें जो है वो चेकआउट फॉर्म लेना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ से हम दो फॉर्म को जो है वो इनेबल करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर चेकआउट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों होता क्या है, बेसिकली बहुत सारी जो है ना, अगर आप अपने कंट्री में कर रहे हैं तो बहुत सारे जो है ना फालतू की जो है ऑर्डर्स करते हैं, ऑफिस की वजह से हमारा जो है वो डिलीवरी चार्जेस भी ज़्याया होते हैं, और बहुत सारे हमारे पास इस एक्सपेंसिस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, हमें जो है अपनी कंट्री के अंदर इनेबल हम इसको कर सकते हैं। सो यहाँ से हम इसको करेंगे इनेबल करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं, बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, इनेबल फोन वेरिफिकेशन, सबसे पहले हम इसको इनेबल कर देंगे। डू नॉट अलाउ यूजर्स टू यूज़ द सेम फोन नंबर फॉर मल्टीपल अकाउंट, तो हम यहाँ से भी इसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों,
इनेबल वेरिफिकेशन फॉर ओनली गैस यूजर्स, तो हम इसको भी कर सकते हैं क्योंकि जो भी हमारे गैस यूजर्स होंगे तो वो यहाँ से उसको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मतलब उसको जो है वेरीफाई करना पड़ेगा वन टाइम पासकोड इंटर करने के बाद। तो अगर दोस्तों बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर हम वो भी उधर भी हम लगाएंगे अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किस तरह हम ऐड कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऐड करने के बाद दोस्तों बेसिकली एक दफ़ा जब वेरीफाई हो जाएगा तो हमारा जो है वो बेसिकली मेंबर बन जाएगा, वो गैस यूज़र नहीं होगा। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं हमें जो है वो गेस्ट यूज़र के लिए इनेबल रखना है, और उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हैं शो अ वेरीफिकेशन बटन इंस्टेड ऑफ अ लिंक ऑन द WooCommerce चेकआउट फॉर्म पेज, तो यहाँ से भी हम इसको इनेबल कर देंगे। और आई गेस और यहाँ से भी दोस्तों आप कर सकते हैं वैलिडेट OTP फॉर सेलेक्टिव पेमेंट्स, तो आप जैसे कि देख सकते हैं PayPal के लिए करना चाहते हैं तो आप PayPal, कैश ऑन डिलीवरी की अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर कि आप कैश ऑन डिलीवरी पर इसको इनेबल करें। PayPal में तो जाहिर सी बात है पेमेंट जो है वो ऑलरेडी रिसीव हो जाएगी इसके लिए, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा स्पैमिंग का ख़तरा नहीं है, तो आप इसमें भी इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं सिंपल टाइप कर दूँगा वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, दोस्तों ये जो हमारे पास बटन टेक्स्ट आ गया। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ से सेव सेटिंग्स करेंगे, तो दोस्तों हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम जो है वो ऐड टू कार्ड करेंगे, इसको व्यू कार्ड करेंगे, प्रोसीड टू चेकआउट। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई भी बटन अभी देखने को हमारे पास नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमारे जो है फ़ोन नंबर के नीचे जो है हमारे पास ये शो होगा, तो हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी बटन नहीं है, तो हम इसको इनेबल करते हैं। तो यहाँ पर आएंगे दोस्तों हम OTP सेटिंग्स में आएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें जो है कंट्री कोड यहाँ पर ऐड कर देना है, कोई भी हम ऑल कंट्रीज़ भी कर सकते हैं। शो कंट्री कोड ड्रॉप डाउन ऑन द फोन फील्ड, सेव सेटिंग्स करेंगे इसको, और यहाँ पर OTP प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेगी, OTP लेंथ क्लिक हियर टू सी हाउ यू कैन चेंज OTP लेंथ, तो आई गेस ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं इसको, इसको छोड़ते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। OTP वैलिडिटी इन मिनट्स, तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। तो ब्लॉक ईमेल डोमेन, यहाँ से भी आप ईमेल जिसको ब्लॉक करना चाहते हैं और फ़ोन नंबर भी यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। और उसके बाद SMS ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास भी इतना कुछ जानने की चीज़ें नहीं है। कॉमन मैसेजेस पर आएंगे, तो यहाँ से दोस्तों आप जो है ईमेल मैसेज आप जैसे कि देख सकते हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास SMS मोबाइल मैसेजेस, अब वन टाइम जब भी OTP जो है वो सेंड होगा, सक्सेस OTP मैसेज, OTP वन टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू दिस नंबर, तो ये रहेगा प्लीज़ इंटर द OTP इन द फील्ड बिलो टू वेरीफाई योर फ़ोन नंबर। तो इस तरह भी दोस्तों आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं मज़ीद। तो दोस्तों हम जो है पॉपअप्स पे क्लिक करेंगे, पॉपअप डिज़ाइन पर, और दोस्तों यहाँ पर जो है पॉपअप डिज़ाइन के अंदर हमारे पास कोई ज़्यादा जानने वाली चीज़ें नहीं है, तो हम क्या करेंगे एडवांस पे आएंगे। तो दोस्तों एडवांस से आप जो है वो OTP वेरिफिकेशन एडवांस आप जैसे कि देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है वो एडवांस देखने को मिलेंगे, कस्टम मैसेजेस देखने को मिलेंगे, अल्टीमेट मेंबर पासवर्ड रीसेट और ओवर OTP, तो ये देखने को मिलेगा, अल्टीमेट मेंबर SMS नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर है WooCommerce SMS नोटिफिकेशन। दोस्तों ये हमारे जो है वो टॉपिक नहीं है, मतलब जो है हमारा इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, अल्टीमेट मेंबर जो है वो दूसरा जो है वो प्लगइन है अल्टीमेट मेंबर, तो हम उसके लिए ये जो है वो इनेबल कर सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों हम कस्टम मैसेजेस और WooCommerce SMS नोटिफिकेशन मैं आपको बताता चलूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताता ये चलूँ कि हमने जो OTP जो है वो इनेबल किया है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों वो शो नहीं होगा, उसकी वजह क्या है दोस्तों, मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, तो एक तरीके से मेरा अकाउंट जो है पहले से बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से जो है वो इसको इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करता हूँ। तो दोस्तों आप जैसे इधर देख सकते हैं मैंने इनकॉग्निटो विंडो में जो है इसको ओपन कर लिया है। तो अब यहाँ से दोस्तों आप बिलिंग डिटेल्स के नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक बटन नज़र आ जाएगा वेरीफाई योर नंबर, दोस्तों इससे जो है आप स्पैमिंग से बच सकते हैं, और दोस्तों अगर आप प्लेस ऑर्डर कोई भी करेगा तो यहाँ से जो है वो वेरीफाई योर नंबर जो है मतलब यहाँ पर सबसे पहले उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं वेरीफाई कोड, तो यहाँ से दोस्तों आप जो भी आपका जो कस्टमर होगा वेरीफिकेशन कोड यहाँ से इंटर करेगा तो आपको ये शो हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, हमने ऑल कंट्रीज़ किया है, लेकिन आप जो है स्पेसिफिक कंट्रीज़ जिसके अंदर हम शिपिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। और दूसरा ये दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता चलूँ, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी अभी सिलेक्टेड है, तो फ़ोन नंबर यहाँ पर वेरीफाई का बटन भी आ रहा है, लेकिन मैं अगर PayPal पे क्लिक करूँगा तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह भी आप जो है वो OTP को जो है वो इनेबल कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज़ करूँगा,
तो यहाँ से दोस्तों हम जो है वो कस्टम मैसेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम जो है वो कॉमर्स SMS नोटिफिकेशन जो हमारा जो मेन टॉपिक था और OTP कवर कर लिया हमने, तो हम SMS नोटिफिकेशन के यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो है दोस्तों SMS टाइप्स देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं रेसिपिएंट, कस्टमर, कस्टमर और ऑर्डर स्टेटस जो है दोस्तों ये एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी आप नंबर टाइप करेंगे तो यहाँ पर उसका ऑर्डर स्टेटस जैसे ही चेंज होगा तो वहाँ यहाँ पर जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं न्यू अकाउंट का, न्यू अकाउंट है, कोई भी न्यू अकाउंट करेगा मतलब क्रिएट करेगा तो रेसिपिएंट के पास जो है कस्टमर जो होगा उसके पास SMS नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ये दोस्तों सेम वे में काम करता जिस तरह हमने जो है ईमेल्स WooCommerce के जो ईमेल्स हमने सेटअप किए थे, तो वो जिस तरह वो काम करते हैं दोस्तों बेसिकली सेम वे में दोस्तों ये भी काम करते हैं। और यहाँ पर ऑर्डर कंप्लीटेड, तो मैं आपको अब जो है बता देता हूँ, जैसे ऑर्डर स्टेटस है यहाँ पर, तो मैं ऑर्डर कंप्लीटेड पे जो है ना वो कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। एक कॉन्फ़िगर करेंगे तो बाकी भी सारे हो जाएंगे, सिर्फ आपको मैसेजेस जो है दोस्तों चेंज करने बहुत ही ईजी है। तो ऑर्डर कंप्लीटेड इस पर कॉन्फ़िगर करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं SMS नोटिफिकेशन सेटिंग्स फॉर ऑर्डर कम्प्लीशन SMS सेंड टू द यूज़र, तो ये आपको देखने को मिलेगा इनेबल डिसेबल। सबसे पहले जो है दोस्तों हमें इसको इनेबल कर देना है। दोस्तों होगा क्या, जैसे ही आप स्टेटस चेंज करेंगे तो ये SMS जो होगा ये आप जैसे कि देख सकते हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, अभी मैं इसको और डिस्कस करता हूँ। तो ये दोस्तों नोटिफिकेशन जो है आपके जो कस्टमर होगा उसके नंबर पे पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको बार बार जो है वो मैसेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं हेलो यूज़र नेम आ जाएगा, जो भी उसका यूज़र नेम होगा, योर ऑर्डर, तो ये ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर नंबर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर योर ऑर्डर नंबर ये आ जाएगा विद ई कॉम वेब हैज़ बीन प्रोसेस्ड, आइटम विल बी डिस्पैच एंड डिलीवर्ड टू यू शॉर्टली, तो ये आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जैसा आप चाहें। और यहाँ पर जो है आप जैसे देख सकते हैं यू कैन हैव न्यू लाइन कैरेक्टर इन योर SMS टेक्स्ट बॉडी टू इंटर अ न्यू लाइन, तो ये आपको जो है वो परसेंटेज जीरो और ए जो है आपको ये सिंबल एज ए सिंबल जो है आपको ऐड करना पड़ेगा टू इंटर ए हैश करेक्टर यू कैन यूज़ द, तो हैश करेक्टर के लिए दोस्तों आप जो है वो ये पर्सन और 23 जो है वो सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। टू सी कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्पेशल करेक्टर दैट यू कैन सेंड इन SMS चेक विद योर गेटवे प्रोवाइडर, तो दोस्तों आप जो है इसको मज़ीद चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ये जानने वाली मतलब आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है शॉर्ट कोड आप जैसे कि देख सकते हैं तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़र नेम आ गया, जिस तरह ऑर्डर नंबर आ गया, तो ये बेसिकली ये जो है वो न्यू लाइन के लिए है, तो ये परसेंटेज जीरो और ए, तो ये दोस्तों हैश के लिए %23 ये दोस्तों हैश के लिए आ जाएगा, हैश और ऑर्डर नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर विद साइड नेम आप इस तरह भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है इसको क्या करेंगे, सेव सेटिंग्स करेंगे और गो बैक करेंगे। तो इसी तरह दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं ये इनेबल हो चुका है। तो दोस्तों आप जो है इसको मज़ीद जो है वो ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग पेमेंट इसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और मैसेज आपको जो है वो सेट करना है, बाकी कुछ नहीं होगा। एक दफ़ा दोस्तों आपको जो है मैसेज जो है वो सेट कर देना है, बाकी आप जैसी ऑर्डर स्टेटस जो है मैं आपको शो करा देता हूँ। तो हमारे पास आई गेस अगर हमने ऑर्डर हमारे पास होगा, जी हमारे पास एक ऑर्डर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आएंगे WooCommerce ऑर्डर्स पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं कंप्लीटेड है, मैं तो यहाँ पर ऑर्डर पे क्लिक करूँगा इस पर नेम पर। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर स्टेटस है और यहाँ पर जो है वो फ़ोन नंबर भी दोस्तों आ चुका है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कंप्लीटेड जो है दोस्तों यहाँ पर आप जो है वो स्टेटस जैसे ही चेंज करेंगे तो ये दोस्तों चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है फ़ोन नंबर देखने को मिलेगा, तो आप ये यहाँ पर कस्टम मैसेजेस भी जो है वो सेंड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पर जो आप करना चाहेंगे, और कस्टम मैसेज टू बी सेंड टू द यूज़र। तो दोस्तों आप इजीली जो है वो यहाँ से सेंड SMS करेंगे तो ये जो है नंबर पर सेंड हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है दोस्तों। इस तरह दोस्तों आप जैसे स्टेटस चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस नंबर पर बिलिंग फ़ोन नंबर ये इस पर सेंड हो जाएगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, बहुत ही रियल है। जैसा मैंने आपको बताया, मैंने किसी की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी और उसके अंदर ये दोस्तों इंटीग्रेट किया था। तो यहाँ से दोस्तों आप जो है वो ऑर्डर स्टेटस है वो एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगर करूँगा मैं इस पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है वो रेसिपिएंट का जो है नंबर दे देना, जो भी आपकी कंपनी का है दोस्तों, ये हमारे लिए है, ये कस्टमर के लिए नहीं है। तो ये दोस्तों आप जो है उसको जैसी नंबर टाइप करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है ऑर्डर स्टेटस जैसी चेंज होता रहेगा, कितना कौन सा ऑर्डर कब गया कि क्या चल रहा है, तो आप जो है उसको इनेबल कर सकते हैं। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा दोस्तों, जो भी जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो डेटा कलेक्ट करता है, तो यहाँ पर उसको जो है SMS मिल जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है वो 10 SMS जो है वो प्रोवाइड करते हैं,
जो कि फ्री होते हैं 10 SMS और 10 email। तो दोस्तों आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्लगइन है। कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा अगर वहाँ पॉसिबल हो सका, वरना दोस्तों मैं आपको जो है एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। तो दोस्तों ये हमारा ट्यूटोरियल था आज का कि हमने जो है किस तरह जो है हम OTP इनेबल कर सकते हैं, OTP वेरिफिकेशन जो है अपनी वेबसाइट के अंदर WooCommerce वेबसाइट के अंदर इनेबल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम WooCommerce नोटिफिकेशन जो होते हैं SMS नोटिफिकेशन, उसको ऑटोमेटेड वे में किस तरह सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों हमने जो है इससे पहले जो है एक ट्यूटोरियल बनाया है जिसके अंदर मैंने जो है पूरी वेबसाइट आपको आपके साथ डिस्कस की है कि आप किस तरह जो है ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही ईजी वे में। तो दोस्तों अगर आपने नहीं देखी तो मेक श्योर कि आप इसको वॉच कर लें। ये दोस्तों उसी का पार्ट था जिसे मैंने आपको बताया कि हम जो है बताएंगे कि मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह जो है आप OTP इनेबल कर सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई दोस्तों मेक श्योर कि आप इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और दोस्तों अगर आप वर्डप्रेस बिगनर हैं, वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं और इसी के साथ साथ वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, एलिमेंटोर सीखना चाहते हैं, तो मेक श्योर दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।